सब स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रिलियंट एकेडमी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके की श्रृंखला चल रही है और इसी श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ाएंगे। और आज हम मध्य प्रदेश में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है मध्य प्रदेश में परिवहन के संबंध में। जी हाँ, तो आज हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में परिवहन से किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और किस किस संदर्भ में कहाँ कहाँ पर इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में परिवहन की तरफ। परिवहन से दोस्तों, जैसे कि आप पहले भी परिचित हैं और परिवहन के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आपसे, तो जैसा कि आप जानते हैं मुख्य रूप से चाहे वो कोई भी राज्य हो या देश हो या कोई भी प्रदेश हो, परिवहन के मुख्य रूप से तीन साधन यहाँ पर हम देख के चलेंगे और उनके विषय में हम यहाँ पर अध्ययन भी करेंगे। परिवहन के मुख्य तीन साधन हैं, उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पहले साधन की मैं बात करूँ तो जो है सड़क परिवहन आता है, ठीक है। दूसरा आप समझते हैं जो है आपका रेल परिवहन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा आप समझते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो है आपका वायु परिवहन। वायु परिवहन कहीं ना कहीं ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों, और किसी भी एग्जाम में इनसे कभी ना कभी प्रायः प्रश्न देखने को मिलता भी है। तो चलिए सबसे पहले जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे वह है यहाँ पर सड़क परिवहन के संदर्भ में दोस्तों। तो पहला हमारा टॉपिक है क्या, सड़क परिवहन, और इसी के संदर्भ में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए तो पहले पॉइंट की मैं यहाँ पर चर्चा करूँ आपसे, जो है जो बताता है आपको कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर मैं कुल लंबाई की बात करूँ सड़कों की लंबाई, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई जो है वह है 67,585 किलोमीटर, यानी कि लगभग 67,000 किलोमीटर। और अगर मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत की बात करूं दोस्तों, तो उनकी लंबाई है यहां पर कितनी, 73,006 किलोमीटर, ठीक है। दो यहां पर फैक्ट हैं वो याद रखने हैं, पहला मध्य प्रदेश के अंतर्गत लंबाई 67,585, और अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मैं आपसे बात करता हूं तो वह आपकी बात हो जाती है 73,006 किलोमीटर की दोस्तों, ठीक। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, और सेकंड पॉइंट हमसे कहता है कि राज्यों में सड़कों का औसत, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में आपसे अगर सड़कों के औसत की बात की जाए तो वह है यहां पर कितना, 38, यानी कि 38 किलोमीटर पर कितने पर, यानी कि पर 100 वर्ग किलोमीटर पर आपको 38 किलोमीटरों पर सड़कें प्राप्त होंगी, जो कि बहुत ही कम है। और वहीं अगर मैं इंडिया या भारत की आपसे बात करूं दोस्तों, तो वहीं पर यह आंकड़ा बहुत ऊंचा पहुंच जाता है और जो है 83 किलोमीटरों का, कितना, 83 किलोमीटर, जो कि पर 100 किलोमीटर स्क्वायर के है, यानी कि पर 100 वर्ग किलोमीटर पर आपको भारत में 83 किलोमीटर पर सड़कों का जाल बिछा हुआ मिल जाएगा दोस्तों। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, और जो यहाँ पर वर्णित करता है कि सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, तो मध्य प्रदेश में अगर आप सड़कों के सर्वाधिक घनत्व की जिले की बात करूँ तो वह जिला है यहाँ पर आपका सतना जिला आता है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है याद करेंगे। और वहीं पर अगर मैं न्यूनतम की बात करूँ तो यानी कि सड़कों का न्यूनतम घनत्व वाला जिला वो कौन सा है, तो यहाँ पर आप याद करेंगे श्योपुर वह जिला है, ठीक है। कौन सा जिला है ये, श्योपुर वह जिला है जो कि न्यूनतम है, सर्वाधिक में सतना जिला प्रथम है। चलें पांचवें नंबर का पॉइंट की बात करूंगा, मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई, ठीक है दोस्तों। इसके लिए संदर्भ में आप जाएंगे पहले वाले पॉइंट की तरफ, तो जो मैंने डेटा बताया था मध्य प्रदेश के अंतर्गत लंबाई कितनी है 67,585, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 73,006, यानी कि ये मुख्यमंत्री यानी कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अधीन बनी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, इन दोनों के डेटा को जोड़ दीजिए तो आपका डेटा जाएगा कितना, 1,40,591 किलोमीटर, यही आपका मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई है, यानी कि 1,40,591 किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में निर्मित है दोस्तों, जो जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें भी शामिल हैं दोस्तों, ठीक। चल छठवें नंबर की पॉइंट की मैं अगर बात करूं आपसे, तो सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में स्थान, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आखिर सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है, तो वह स्थान मध्य प्रदेश को मिलता है कौन सा, 15वां नंबर का, यानी कि 15th नंबर पर हमारे मध्य प्रदेश की पोजिशन आती है सड़कों के रिस्पेक्ट में दोस्तों, ठीक। चले बात करेंगे हम सातवें नंबर के पॉइंट की तरफ, और सातवां नंबर का पॉइंट हमको क्या बताता है वह देखेंगे जरा, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की स्थापना, ठीक। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन, जैसा कि आप जानते हैं कई कई राज्यों में जो आपका हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी बसें चलाता है या ट्रांसपोर्ट सर्विस
फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। तो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क बसों का परिचालन शुरू किया था। यह शुरुआत हुई थी वर्ष 1962 यानी कि 1962 में, परंतु वित्तीय घाटे की वजह से है ना, यानी कि नुकसान होने लगा, बसों में लोग ट्रैवल करना उतना पसंद नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से सरकार को घाटा लगा और सरकार ने वर्ष 2004 में, कब, वर्ष 2004 में इसको बंद कर दिया। ठीक है, मध्य प्रदेश सड़क राज्य सड़क परिवहन कब बंद हो गया, वर्ष 2004 में। स्थापना कब हुई थी, 1962 में। चलिए आठवां नंबर का पॉइंट दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ना केवल व्यापम की दृष्टि से या पुलिस की दृष्टि से ही नहीं, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी इस जगह से प्रश्न पूछा गया है। वो है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसको हम बोलते हैं, या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की मैं बात करूँ, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों कब, वर्ष 2001 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। और अगर मैं इसके प्रतिस्थापक की या स्थापना की बात करूँ तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी जी ने, ठीक है ना, इसकी नींव रखी थी। अटल बिहारी जी द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। अब ये योजना क्या थी, ठीक है ना, पहले इसके डेटा की बात कर लेते हैं। लागत इसमें जो आई थी वह थी 54,000 करोड़ की, और लंबाई की अगर मैं बात करूं तो वह थी इसमें लंबाई इसकी लगभग 13,245 किलोमीटर की। अभी तक का इसका क्रियान्वयन हो चुका है। अब बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज की, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हमने देखा स्वर्णिम चतुर्भुज के डेटा के बारे में, इस योजना की बात क्या थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत दोस्तों जो भारत के चार मुख्य महानगर हैं और उन चार मुख्य महानगरों को जोड़ने का एक कार्यक्रम बनाया गया था, जो कि चारों दिशाओं में थे। उत्तर की ओर जाएंगे तो दिल्ली, दक्षिण की ओर आप जाते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पर चेन्नई, पूर्व में आप जाते हैं तो कलकत्ता, उसी प्रकार से पश्चिम दिशा में आपको मुंबई, यानी कि इन चार महानगरों को सड़कों से जोड़ने का कार्यक्रम ही कहलाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसको कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी बोला जाता है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। आप देख पाएंगे मैप में अगर, तो भारत के नक्शे में यहाँ पर आप चारों प्रकार से ये, तो इस प्रकार से ये सड़कों का जाल बनता है और इस प्रकार से यह एक चतुर्भुज का निर्माण कर देता है। और ये चार मुख्य नगर जो हैं इस योजना के अंतर्गत जुड़ जाते हैं, जिनसे कि व्यापार में या हर प्रकार से ट्रांसपोर्ट को लाभ पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। तो यही है आपकी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। वर्ष 2001 से इसकी क्रियान्वयन किया गया था, माननीय श्री अटल बिहारी जी द्वारा इसकी नींव रखी गई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, सड़क परिवहन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे के संदर्भ में दोस्तों। ठीक है, नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग में से आपका MPPSC में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और देख के चलेंगे इसको हम। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों के विषय में और बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट डेटा के संदर्भ में दोस्तों। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या, और यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ तो हम भारत और मध्य प्रदेश इन दोनों के रेस्पेक्ट में डेटास को पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि आपको ये भारत का डेटा भी पता रहे और मध्य प्रदेश के डेटा की भी आपको जानकारी साथ में होती रहेगी दोस्तों। चलिए, तो पहले मैं बात करूंगा आपसे कुल नेशनल हाईवेज या कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या। तो भारत में अगर मैं बात करूँगा आपसे तो भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या है वह है 350 यानी कि 330 से अधिक है, 303 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत में। और देखिए यहाँ पर एक डेटा है, इनकी लंबाई की बात करूं तो ये है 122,434 किलोमीटर की, ये भारत में इनकी लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्गों की। और ये जो डेटा उपलब्ध है ये है वर्ष 2018 का डेटा उपलब्ध है। और इसी के साथ एक और चीज़ जोड़ेंगे आप कि अभी केंद्र सरकार का एक लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक, कब का, वर्ष 2022 तक ये जो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है इनको 200,000 किलोमीटर, कितना, 200,000 किलोमीटर करने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित भी किया गया है दोस्तों। चलिए, मध्य प्रदेश से जो कि हमको डेटा याद रखना है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश से टोटल 44 नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, और इनकी हम लंबाई की बात करें तो वह है 8,772 किलोमीटर इनकी लंबाई है मध्य प्रदेश में दोस्तों। ठीक, सेकंड नंबर के डेटा की बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है सेकंड नंबर का पॉइंट, वो क्या है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे। ठीक है, तो चलिए भारत में बात करें हम तो सबसे लंबा भारत में जो आप नेशनल हाईवे पढ़ते हैं वह है NH44 या NH44 जिसका नाम है दोस्तों। ठीक, अब देखिए
ये यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट नोट करेंगे, और वो ये कि अभी तक आपने नेशनल हाईवे की जो बात पढ़ी है उसमें हम NH7 को ही अब तक सबसे बड़ा नेशनल हाईवे पढ़ते आए हैं। क्या है पढ़ा है आपने? NH7। लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में NH7 का ही नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, NH44 इसको पढ़ा जाने लगा है। तो यह एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नोट करके चलिए। ठीक, कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है ये, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। लंबाई इसकी है लगभग 511 किलोमीटर की। दोस्तों मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे, जो हमको फैक्ट याद रखना है वह है NH46। याद करेंगे NH46, इसका पुराना नाम क्या है वो देखिए, इसको आप पढ़ते थे पहले NH3 के नाम से, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया है, NH46 या 46 इसका हो गया है। कहाँ से कहाँ तक है? आगरा से मुंबई तक का ये हाईवे है NH46, और लंबाई इसकी है लगभग 700 किलोमीटर के समथिंग। ठीक, थर्ड नंबर के डेटा की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा नेशनल हाईवे की बात करूंगा, भारत में सबसे छोटा हाईवे जो है वह है NH47A, ठीक है, NH47A, जो कि एर्नाकुलम से कोच्ची के बीच में बना है, जिसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। ठीक, डेटा है मध्य प्रदेश का डेटा जो आपको याद करके चलना है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा हाईवे है NH339, यानी कि 339B new, याद करेंगे NH339B new, जो कि बमिथा कहां पर है, ये दरअसल छतरपुर जिले में अवस्थित है। छतरपुर से खजुराहो के बीच में बनाया गया है, और इसकी लंबाई है कितनी, 9 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा याद करेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं चौथे नंबर के पॉइंट की, और जो बताता है आपको कुल स्टेट हाईवेज। तो कुल स्टेट हाईवेज की लंबाई की बात हो रही है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, जिनकी लंबाई है 11389 किलोमीटर, कितना, 11389 किलोमीटर की लंबाई है मध्य प्रदेश में स्टेट हाईवेज की। चलिए बात करते हैं पाँचवें नंबर के पॉइंट की, और जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट यहाँ पर पढ़ना है वह है IRQP। IRQP के अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ राइडिंग क्वालिटी प्रोग्राम। ठीक, इस प्रोग्राम का उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार के लिए इस प्रोग्राम का सृजन किया गया है। तो दोस्तों कभी भी आप अगर IRQP शब्द की यहाँ पर या एब्रिविएशन को आप देखते हैं, तो इसका संबंध आप किससे जोड़ेंगे, सीधा सीधा इम्प्रूवमेंट ऑफ नेशनल हाईवे, यानी कि नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई है। दोस्तों चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, और छठवां नंबर का जो पॉइंट है वह है भारतमाला परियोजना। काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है दोस्तों, ना केवल व्यापम के रिस्पेक्ट में, बल्कि आपके केंद्र जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं, SSC हो गया, रेलवे हो गया, उनमें भी इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो भारतमाला प्रोजेक्ट या भारतमाला परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका संबंध नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों का जो निर्माण है वह भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। दोस्तों ठीक, शुरुआत की हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत जो है वह हो रही है कब से, 31 जुलाई वर्ष 2015 से यह भारतमाला परियोजना संचालित की जा रही है। क्या काम है इसका? राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का कार्य है। ठीक, चलिए सातवें नंबर का पॉइंट है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। चलिए तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की मैं बात करूं, तो इस योजना की शुरुआत हुई थी कब, दिसंबर वर्ष 2000 में। कब हुई थी? दिसंबर में वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की गई थी। आठवें नंबर के पॉइंट की तरफ चलते हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करें, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की मैं बात करूं, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 और 11 में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वर्ष 2015, और अगर मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी मध्य प्रदेश में, 2010-11 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों चलिए दोस्तों सड़क परिवहन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और इसी में बढ़ते हैं अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ, और तीसरा टॉपिक जो है वो अब हम पढ़ेंगे कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि कुछ प्रशिक्षण संस्थान हम यहाँ पर सड़क के संदर्भ में देखेंगे। दोस्तों तो समय लगवाते हुए चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, और पहला जो सेंटर है वो देखिए क्या है, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एंड फिटनेस सेंटर। ध्यान देंगे, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एंड फिटनेस सेंटर, ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ पर, पांढुर्णा जो कि छिंदवाड़ा जिले में है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है या वहाँ पर स्थापित है। सेकंड नंबर का पॉइंट चलिए, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल यानी कि जहाँ पर ड्राइविंग की शिक्षा या प्रशिक्षण दिया जाता है गाड़ी चलाने का, तो ये भोपाल, जबलपुर और सागर, ये 3 जगह में अभी प्रस्तावित है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये अभी
तीन जगह पर प्रस्तावित है ये, भोपाल, जबलपुर, सागर। ठीक, ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये भी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल था लेकिन यहाँ पर ये फिटनेस सेंटर भी साथ में था, यानी कि उनको फिट या बॉडी के रिस्पेक्ट में फिटनेस सेंटर भी स्थापित किए गए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे जो बताता है ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स। ठीक है ना, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर वर्तमान में अभी देखें आप कहाँ पर है, तो ये स्थापित है सालीमेटा लिंगा गाँव में। कहाँ पर? सालीमेटा लिंगा गाँव, जो कि छिंदवाड़ा जिले में आता है दोस्तों, याद करेंगे क्योंकि कई बार यहां से सीधा प्रश्न उठ कर आ जाता है कि किस जगह पर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया। ये ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स हैं और ये ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है, अंतर है। चौथा, यातायात वाहन प्रशिक्षण संस्थान। यातायात वाहन प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना कहां पर है? भोपाल में। कहां पर? भोपाल। अगला पांचवा, वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि वाहन चलाने के जो कर्मचारी हैं उनका प्रशिक्षण कहाँ पर किया जाता है? ठीक है ना, तो कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान रीवा में, लेकिन यातायात वाहन प्रशिक्षण संस्थान भोपाल। ठीक है, दो पॉइंट, यातायात वाहन प्रशिक्षण संस्थान भोपाल, लेकिन वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण कहाँ पर? रीवा में हो रहा है भाई। ठीक, छठवां, चलिए राष्ट्रीय यातायात प्रबंध एवं शोध संस्थान। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों लेकिन इससे सेंटर्स का पूरा नाम बदल जाता है। देखिए अब राष्ट्रीय यातायात प्रबंध एवं शोध संस्थान, शोध की बात आएगी तो ये भी कहाँ पर स्थापित है? ये भी भोपाल में ही इसकी स्थापना की गई है भाई। चलिए बात करते हैं अब हम सातवें नंबर के पॉइंट की, और सातवें नंबर का पॉइंट जो है वह है प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे। तो प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो है दोस्तों वह है, नाम क्या है इसका? नर्मदा एक्सप्रेस वे। ठीक है, और यह एक्सप्रेस वे जो है ये तीन राज्यों से होकर गुजर रहा है। कौन सा? छत्तीसगढ़, गुजरात। और अगर मैं इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई है लगभग 1265 किलोमीटर दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर हमारा सड़क परिवहन टॉपिक खत्म होता है और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे।